हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। ये देख सकते हैं हमारे पास एक रिले है, डैनफोर्स कंप्रेसर का ये रिले है। ये वीसी कूलर में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला रिले ये यही आता है, डैनफोर्स में यही रिले का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास पड़ा हुआ है ये रिले, इसको हम प्रॉपर तरीक़ा से आपको कनेक्शन करके हम दिखाएँगे। आप देख कर सीख सकते हैं कि किस तरीक़ा से हम कनेक्शन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसमें सिर्फ स्टार्टिंग ही लगता है। ये हमारा जो रिले है डैनफोर्स का, इसमें हम सिर्फ यूज करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर हम यूज करते हैं। इसमें रनिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है। देख सकते हैं हमारे पास 40-60 का कैपेसिटर है, 40-60 का कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं हम इसको प्रॉपर तरीक़ा से कनेक्शन करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम कनेक्शन करते हैं और ये रिले कैसे काम करता है, वो भी हम करके दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसको हम पहले चेक करते हैं, रिले चेक करके देखते हैं किसका कॉइल कैसा है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा कॉइल का तार, आप देख सकते हैं एक यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये दोनों पॉइंट पे ये लगाएंगे तो हमारा चेक हो जाएगा कि कॉइल हमारा ठीक है कि ख़राब है। आप देख सकते हैं ये मीटर बोल रहा है, ये बता रहा है, कंटिन्यूटी इसका बता रहा है, यानी कि ये कॉइल हमारा सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिले के अंदर का क्या क्या होता है और वो कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं रिले कनेक्शन करने के लिए। देख सकते हैं हमारे पास 40-60 का स्टार्टिंग कैपेसिटर है, तो इसको हम टेप मार लेते हैं। बिना टेप मारे हुए हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रिक्स होता है, शॉर्टेज करने का डर ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं इसको हम टेप मार लेते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, हमारा नया नया वीडियो आने वाला है एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, हीटर, कूलर, पंखा का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बहुत ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यूट्यूब पे बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख सकते हैं ये हमारा, आप देख सकते हैं इसमें चार पॉइंट होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग भी किया गया हुआ है, तो आपको करीब से तो दिखेगा, दूर से नहीं दिख रहा होगा। इसमें नंबरिंग भी किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर है, 11 नंबर है, 14 नंबर है और 13 नंबर है। 12 नंबर को होल्ड कर दिया गया है, यानी कि 12 नंबर में हम थिम्बल को यूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डैनफोर्स का रिले है, तो हम पहला स्टार्टिंग का जो वायर है वो देखिए, आप देख सकते हैं हमारा 3 पिन है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इसमें OLP यूज नहीं किया जाता है। बिना OLP का ये रिले काम करता है, बिना ओवरलोड का ये रिले काम करता है। देख सकते हैं 3 पॉइंट बना हुआ है, ये हमारा कंप्रेसर में 3 पॉइंट होता है, तो 3 पॉइंट में लगता है। देख सकते हैं आप 3 पॉइंट बना हुआ है, तो कॉमन हमारा सबसे ऊपर रहता है, तो कॉमन को हम इसमें दे देंगे, सॉरी कॉमन को हम छोड़ देंगे, कॉमन में मेन लाइन सप्लाई होगा। आप देख सकते हैं 13 नंबर पर एक स्टार्टिंग का ये देंगे वायर देंगे और एक देंगे हम 11 नंबर पे। आप देख सकते हैं एक 13 नंबर पर दिए हैं, 11 नंबर पर दिए हैं, और बच गया हमारा दो जैक बच गया, दो पॉइंट बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो इसमें हम मेन लाइन दे देंगे या न्यूट्रल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइन दे देंगे या इसमें लाइन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर लाइन ऊपर ही पड़ता है, तो लाइन हम इसमें दे देते हैं और न्यूट्रल का एक तार इसमें दे देते हैं और डायरेक्ट हम कंप्रेसर में इसको लगाएंगे और लाइन इसमें दे देंगे, न्यूट्रल इसमें दे देंगे, ये कंप्रेसर 110% चलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें OLP काम करता ही नहीं है, क्योंकि ये 3 पॉइंट बना ही हुआ है, जिसमें 2 पॉइंट रिले बने रहते हैं उसमें हम OLP का यूज करते हैं। इसमें 3 पॉइंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आपके पास हमेशा लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे यूनिक चीज़ कि कैसे हम रिले या किसी भी प्रकार का चीज़ को हम कैसे बनाते हैं और कैसे कनेक्शन करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।